अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं कि मंडी के थलचूखोड़ इलाके में कई घर जो हैं वो बह गए हैं, 11 लोगों के लापता होने की खबर है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से जो बर्बादी हुई है, 11 लोग उसमें लापता हो गए हैं। थलचूखोड़ इलाका, वहां पर कई घर जो हैं वो बह गए हैं। मंडी के थलचूखोड़ इलाके में कई घर बह गए हैं, बादल फटा है, तबाही हुई है, 11 लोग के लापता होने की खबर है। तो पहाड़ी राज्यों में इस बारिश ने, इस बरसात ने क्या जीना मुहाल किया हुआ है, कैसे हालात खराब किए हुए हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। थलचूखोड़ इलाका है मंडी का, हिमाचल प्रदेश के, वहां पर कई घर बह गए हैं, 11 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, ये खबर सामने आ रही है। यहां पर भी बादल फटा है, हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटा, 11 लोग लापता हैं, कई घर बह गए हैं। लेकिन उसके बाद ये बादल फटने से जो तस्वीर सामने आई है, जो भारी बारिश के बाद तस्वीर सामने आई है, हम दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर, आप देखिए कि कैसे वो तबाही, वो बर्बादी मची हुई है हिमाचल प्रदेश में, और ऐसी तस्वीरें कई जगहों से आ रही है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तो रामपुर की है, वहाँ पर देखिए कैसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है लगातार बारिश की वजह से। और दूसरी तस्वीर थलचूखोड़, जो खबर मैं अभी आपको बता रहा था कि यहाँ पर 11 लोग लापता हो गए हैं, कई घर जो हैं वो बह गए हैं। और मणाला कुल्लू में यहाँ पर भी बादल फटा है और हालात जो हैं वो ख़राब होने लगे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तीनों तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं। हिमाचल प्रदेश में किस तरह से ये प्रकृति अपना कहर बरपा रही है, कैसे ये आपदा आई हुई है, कई जगहों पर, एक जगह नहीं है, कई जगहों पर इस तरह की स्थितियाँ बन गई हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप पहाड़ी राज्य से देखिए और ये महसूस कीजिए कि अब वहाँ पर जनजीवन कितना अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये हम आपको रामपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, मंडी की तस्वीर दिखा रहे हैं और मणाला की तस्वीर दिखा रहे हैं। तीनों तस्वीरें आपस में ये बयां करने के लिए बहुत हैं कि हिमाचल प्रदेश आजकल किस त्रासदी से जूझ रहा है।